गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और हमने हमारे मैथ्स में चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि कैसे हम किसी चीज़ का पार्ट करते हैं, उसका 1/3, 1/4, 3/4 करना सीखा था। फिर हमने कल ये किया था कि एक चॉकलेट है तो उसको जो मंजू है वो कैसे कैसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करती है और किसको कितना हिस्सा मिलता है। और फिर हमने हेड्स को भी कलर किया था, ये ट्राइंगल बनाया था। अब आज हमें पढ़ना है 6 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल, कि मतलब कोई फिगर है तो उसको हम कैसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, रानी हैज डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। देखो, ये है रानी ने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। रानी ने इसको क्या किया है, 6 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है इस तरह से। अब इसी में देखो, ये तो किया, फिर इसमें अपन को ये गिवन है। नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट, यूज अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ 3 रेक्टेंगल। देखो, अपन को ये 3 रेक्टेंगल गिवन है, इन तीनों में अपन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करके इसे अपन को करना है। इन तीनों में अपन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यूज करने और इनको डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट में। तो सबसे पहले देखो, ये है, इसको अपन 6 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको अपन 6 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, ऐसे आप 6 इक्वल लाइंस ड्रॉ कर लो, पहले मेजर कर लो कितना है, फिर आप ऐसे 6 इक्वल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो, ये भी इक्वल नहीं है, आप इसमें तो एग्जैक्टली होगा नहीं, तो आप क्या करना, उसमें आपके अच्छे से ड्रॉ करना, नोटबुक में आप पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करना, ओके, बुक के अंदर। फिर इसको करेंगे अपन, ओके, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर इसको डिवाइड करना है, आप कैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे 6 इक्वल पार्ट्स कर सकते हो, इस तरह से आप इसके 6 इक्वल पार्ट्स कर सकते हो। फिर इसमें है तो आप इसमें ऐसे लाइन कर सकते हो, 3 होंगे, फिर ऐसे लाइन कर सकते हो तो वो 6 हो जाएंगे। मतलब आप कैसे भी किसी को भी डिवाइड कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। और देखो, जैसे 2 तो मैंने आपको करवाया, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये वाला अपने आप रेक्टेंगल जो है इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी रेक्टेंगल है वो उसका 1/6 पार्ट ही है, कैसे पता चलेगा। तो अपन पहले मेजर क्या करेंगे, अपन पहले इसमें ये चीज मेजर करेंगे, ये जो लाइन है ना इसको मेजर करेंगे। ये जैसे लाइन को आप मेजर करो, जैसे ये कितनी भी आई है, अगर 12 आती है फॉर एग्जाम्पल, ये पूरी लाइन आपकी कितनी आती है, 12, तो आप 12 का 1/6 निकालोगे तो कैसे होगा, कि 12 बनता 12, नीचे 6 था 6, की टेबल में 12 आता है 2 बार, आंसर आया 2। अब ये वाली लाइन भी 2 की है, ये वाली लाइन भी 2 की, ऐसे भी 2, ऐसे भी 2, ऐसे भी 2, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अगर 2 2 नहीं है तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, बस ऐसे अपन को पता चल जाएगा। फिर द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन ब्लू वन, इसमें जो ये ग्रीन रेक्टेंगल है ये वाला इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो कैन वी से, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का 1/6 उस दूसरे रेक्टेंगल से बड़ा होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यस, कि हाँ ये, क्योंकि रेक्टेंगल बड़ा है तो उसका एक हिस्सा भी बड़ा ही होगा ना दूसरे वाले रेक्टेंगल के हिस्से से, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, ग्रीडी गेटकीपर्स, कि जो गेटकीपर्स मतलब जो पहरेदार होते हैं ना, जो गेट के बाहर खड़े रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं गेटकीपर्स। कि रिमेम्बर बीरबल, आपको पता है ना बीरबल कौन था, जो अकबर के किंग में, जो कि अकबर था उसके किंगडम में था, बहुत क्लेवर था, बहुत चतुर वो था। डू यू नो हाउ ही बिकेम अ मिनिस्टर, कि ये कैसे बना। देखो, बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज, की तब एक छोटा सा, मतलब यंग बॉय था, बिल्कुल एक लड़का था, जब वो बहुत क्लेवर भी था और वो पोएट्री लिखता था, बहुत चतुर था और पोएट्री मतलब पोएम्स लिखता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन किंग्सपोर्ट, तो उसने सोचा कि वो क्यों ना राजा के दरबार में जाके अपना लक आजमाए। तो सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी, तो ये कुछ पोएम्स लिखता था और सिटी में चला जाता है। व्हेन ही रीच्ड द आउटर गेट ऑफ द पैलेस, जब वो पैलेस के बाहर पहुंचता है तो एक गेट कीपर उसे रोकता है, पहरेदार, और बोलता है कि हे स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। गेट कीपर चिल्ला के उसे बोलता है, तो क्या बोलता है पोएट, मतलब जो बीरबल होता है वो क्या कहता है, कि मैं एक पोएट हूँ, मतलब मैं एक कवि हूँ।
मुझे अकबर किंग से मिलना है और उन्हें मेरी पोएम्स लिखवानी है, तो बोलता है कि ओ तुम पोएट हो तो द किंग इज वेरी काइंड, किंग तो बहुत दयालु है, वो तुम्हें कुछ ना कुछ प्राइज मतलब कुछ ना कुछ इनाम भी जरूर देंगे, तो अगर तुम्हें जो भी प्राइज मिलेगा उसका 1/10 हिस्सा मतलब 10 में से एक, जैसे आपको अगर 10 चॉकलेट मिलेगी तो उसमें से 1 चॉकलेट मुझे देनी पड़ेगी, तो वो ऐसे गेट कीपर बोलता है। फिर अब यंग बीरबल के पास दूसरा कोई रास्ता तो था नहीं, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। देन ही वेंट इन, द गेट कीपर कैलकुलेटेड। अब जब वो बीरबल चला जाता है तो वो जो गेट कीपर होता है वो कैलकुलेट करता है, इफ ही गेट्स 100 पॉइंट आई विल गेट, कि मतलब अगर किसको, कि अगर बीरबल को 100 पॉइंट्स मिले, कितने गोल्ड, 100 गोल्ड के पॉइंट मिले, सोने के सिक्के मिले, तो आई विल गेट, तो जो पहरेदार है उसको कितना मिलेगा, तो 1/10 उसने मांगा था किसका, जितना भी बीरबल को मिलता है उसका, तो अपन ऐसे ही निकालेंगे 100 × 100/10, तो 10 की टेबल में 100 आता है 10 बार, मतलब कितने मिलेंगे उसको, 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे उसको, कितने कॉइन्स मिलेंगे, 10 कॉइन्स मिलेंगे, ये बीरबल सोचता है, कितने 10 गोल्ड कॉइन्स उसको मिलेंगे। द पोएट केम टू अ सेकंड गेट कीपर, अब पोएट दूसरे वाले गेट कीपर मतलब जो बीरबल था वो सेकंड गेट कीपर के पास आता है, तो गेटकीपर भी कहता है कि आई विल लेट यू इन, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम मुझे 2/5 अपने प्राइस का, 2/5 कैसे लिखते हैं, 2/5 ऐसे लिखते हैं, फिर पॉइंट मान जाता है। फिर गेटकीपर हैप्पीली वो भी वापस कैलकुलेट करता है कि अगर उसे 100 कॉइन मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे, तो अपन 100 का 2/5 निकालेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/5, और जब 5 को 200 से डिवाइड करोगे तो आएगा 40, मतलब उसको कितने कॉइन्स मिलेंगे, उसको 40 कॉइन्स मिलेंगे। द पॉइंट रीज द, अब वो लास्ट गेट पे पहुंचता है तो गेट कीपर क्या बोलता है कि आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइस दैट यू गेट, कि अगर तुम मुझे आधे कॉइन दोगे तो ही मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, मतलब जितने भी गोल्ड के कॉइन जितने भी सोने के सिक्के तुम्हें मिले उसके आधे मुझे देने पड़ेंगे, 10 मिले तो 5 देने पड़ेंगे, 50 मिले तो 50 का हाफ 25 देने पड़ेंगे, 100 मिलेंगे तो 100 का हाफ 50 देने पड़ेंगे। अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसे अंदर जाना था, तो वो मान जाता है। फिर गेट कीपर सोचता है कि आज तो बहुत बढ़िया दिन था, अगर उसे 100 कॉइन मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे, हाफ, हाफ मतलब 1/2 होता है, और 100 का हाफ कितना होता है, 100 × 100/200 का हाफ हो गया 50, मतलब उसको कितने कॉइन्स मिलेंगे, 50, और अगर उसे 1000 कॉइन्स मिल गए तो वो सोचता है अगर ज्यादा ही खुश हो गए राजा और उसको 1000 कॉइन दे दिए तो क्या हो जाएगा, मतलब उसको 500 कॉइन्स मिलेंगे, कितने कॉइन्स, 500 कॉइन्स मिलेंगे। किंग बहुत हैप्पी हुआ पोएट उसकी पोएम सुनकर, वो बोला कि तुम्हारा वर्क बहुत अच्छा है, कैन यू, तुम्हें कोई भी प्राइस चाहिए हो तुम मांग सकते हो, तो बोलता है कि माय लॉर्ड मतलब राजा मुझे तो 100 स्लैब्स चाहिए, 100 स्लैब्स चाहिए, व्हाट 100 स्लैब, द किंग वाज शॉक्ड, किंग चौंक जाता है, अरे 100 स्लैब, द किंग वाज शॉक्ड, वो चौंक जाता है कि इसको 100 स्लैब्स क्यों चाहिए, व्हाट हैपेंड। अब इसके बाद आपको पता है ये क्या हुआ होगा, कि क्या हुआ होगा, अब सबने जिन्होंने प्राइस मांगा उनको स्लैब्स मिले होंगे, कॉइन्स तो मिले नहीं, उसको जो प्राइस में मिला वही देगा सबको, तो उन्हें वही मिला होगा। नेक्स्ट है पैटर्न्स इन पार्ट, अब अपन पार्ट में कैसे अलग अलग पैटर्न कर सकते हैं, मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड ए बी सी डी, व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डी डू कलर, देखो एक तो अपने लिए किया हुआ है ना, अब अपन को बताना है कि जैसे बी सी और डी है इसमें, देखो ये रहा बी, ये सी और ये डी, इनको अपन को कलर करना है, अब पूरा कलर नहीं करना है, अपन की जितनी इच्छा हो अपन को उतना हिस्सा कलर करना है, अपन को फिर बताना है कि अपन ने कितना कलर किया है और कितना व्हाइट रहा है, तो देखो इसमें ब्लू है तो आप ब्लू ही कर सकते हो या व्हाइट ही कर सकते हो, इसमें ब्लू और व्हाइट ही है तो अपन ब्लू और व्हाइट ही कर सकते हैं, ठीक है। देखो भी है, आप चाहो कितने भी कलर कर सकते हो, आपकी जितनी इच्छा हो, जैसे आपने एक ये कलर कर दिया, एक ये कलर कर दिया है ना, वन, आप चाहो तो ये भी कलर कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप चाहो तो इतने कलर रख सकते हो ना, 7 ही हमें कलर रखना है तो आपने 7 ही रखा, अब बताओ कितने आपने कलर, टोटल पार्ट कितने हैं इसमें काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने हैं टोटल,
16 है तो नीचे तो 16 ही आएगा, हमेशा नीचे तो टोटल ही आता है, हमेशा नीचे तो क्या आता है, नीचे हमेशा टोटल आता है। ठीक है, अब 16 में से, अब ये है 16, तो 16 में से अपन ने कलर कितने किए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कलर किए, 7 7, किस कलर में किए अपन ने, ब्लू कलर में। तो देखो 16 में से अगर 7 ब्लू है तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 किसके लिए बच गए, व्हाइट के लिए, 9 तो व्हाइट है और 7 ब्लू है। और नीचे अपॉन टोटल की कितने में से, 16 में से 7 ब्लू है, जैसे आपको मार्क्स मिलते हो तो आप क्या कहते हो कि मेरे 20 में से 20 आए, तो मैम ऐसे लिखती है, आप बोलते हो कि मेरे तो 20 में से 18 आए, तो मैम ऐसे लिखती है, किसी के 20 में से 15 आते तो मैम ऐसे लिखती है, मतलब कि ये जितने आपके वो कलर नंबर आते हैं वो ऊपर लिखते हैं, कितने में से आते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी यही है कि आपके कितने आए और कितने में से आए तो वो अपन ऐसे लिखेंगे। इसमें भी फिर अपन कर सकते हैं, देखो कैसे भी कर सकते हैं, सॉरी 2 3 4, इस बार 4 ही ब्लू कलर कर दो, चलो आपने इस बार 4 ही किए तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16 में से मैंने 4 तो ब्लू किए, अब 16 में से 4 ब्लू है तो 16 में से 12 क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं अपन, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने ये 12 इस बार कलर कर दिए, कितने कलर कर दिए मैंने, इस बार मैंने 12 कलर्स कर दिए। अब अपन को बताना है कि अपन के ये कितने हुए, तो देखो मैंने किस में से कितने कलर किए हैं, मैंने 16 में से 12 ब्लू कलर किए, 16 में से 12 कैसे कलर किए हैं मैंने, 16 में से 12 ब्लू कलर किए, और 16 में से 4 कैसे रह गए, व्हाइट रह गए, मतलब जिनको अपन ने कलर नहीं किया। अब देखो अपन को ग्रिड ए को देखना है, ग्रिड ए को देखना है और बताना है, ग्रिड ए को देखना है और बताना है, क्योंकि ये रहा ग्रिड ए, क्या इसमें हाफ ब्लू और हाफ व्हाइट है, मतलब आधे ब्लू और आधे व्हाइट है। देखो 16 है टोटल, 16 का आधा क्या होता है 8, तो 8 ब्लू और 8 व्हाइट है, मतलब ये तो क्या हो गया, यस क्या हो गया, यस कि हाँ आधे ब्लू और आधे व्हाइट है। अब जब आधे ब्लू और आधे व्हाइट है तो ये तो सब रॉन्ग हो जाएंगे। देखो अब 2/4 का मतलब भी क्या होगा, 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार, 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, तो इसका मतलब भी हाफ हुआ, तो ये भी आपका यस हो जाएगा। और ये भी देखो 4 की टेबल में 4 आता है 1 बार, 4 की टेबल में 8 आता है 2 बार, तो ये भी यस हो जाएगा। लेकिन 8 में से 3 ब्लू और 8 में से 5 व्हाइट है क्या, नो ये तो रॉन्ग हो गया कि आधे आधे तो है ही नहीं। देखो 4 का आधा 2, मतलब ये भी सही है, 1 का हाफ आधा क्या होता है 1, 2 का हाफ क्या होता है 1 होता है, तो ये भी सही है, 8 का हाफ 4 होता है तो ये भी सही है, 8 का हाफ 3 होता है क्या, नहीं होता, तो ये आपका हो जाएगा नो। अब ये आपको अपने आप करना है कि आपको 16 ग्रिड का एक इसी तरीके से आपको एक ग्रिड बनाना है, मतलब इसी तरीके से बनाना है, और उसमें फिर 8 में से 2 रेड कलर करने हैं, आधे येलो कलर करने हैं और 1/4 ग्रीन कलर करने हैं। कैसे, देखो रेड कितना कलर करोगे, 2/8 किसका, 16 का ही करोगे ना, 2/8 किसका कलर करोगे, 16 का ही करोगे, 2/8 16 का ही कलर करोगे, तो 16 2 32/8 32 आता है 4 बार, मतलब रेड कितने कलर करोगे 4 और 8 कलर करोगे येलो के। मैं आपको इसमें लिख के बता रही हूँ कि आपको कितना कौन सा कलर करना है। ठीक है, फिर 1/4 ऑफ दिस, 1/4 किसका, 16 का, तो कितना हो जाएगा 16/4 मतलब 4, और 4 ही कैसे कलर करोगे आप, ग्रीन करोगे। इसी तरह आप नेक्स्ट क्या भी निकाल सकते हो, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि कौन सा आपको कितना कलर करना। ठीक है, 3/16 ब्लू, मतलब सिर्फ 3 ही ब्लू, 16 में से 3 ब्लू करने हैं, 16 में से 5 रेड करने हैं, और आधे मतलब 16 का आधा 8 आपको येलो कलर करने। ओके, इस तरह से आप ग्रिड बना के आप इनको ऐसे कलर कर सकते हो। अब देखो ये जो है ना रामूज वेजिटेबल फील्ड, ये अपन करेंगे लेकिन आज नहीं, अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे,
तब तक आपको क्या करना है, अच्छे से इनकी ग्रिड बनाना है और अच्छे से इनको कलर करके आपको बुक में, नहीं आपको अपनी नोटबुक में करना है। बुक में तो ये तीन करोगे ही, ये जो क्वेश्चन है ना थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, ये जो है आपको अपनी नोटबुक में करना है और अच्छे से करना है। ओके, तब तक अच्छे से इनको बनाना है और ड्रॉ करना है, और ये जो स्टोरी पढ़ी है इनकी भी अच्छे से आपको सॉल्व पढ़ना है और अच्छे से देखना है कि कैसे 50, 500, 40, 10 आंसर आया है। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।